तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सुबह 7:30 बज रहे हैं, अभी 8 बजने वाला है। हम लोग निकल चुके हैं फसेरा डंगाल के लिए। तो आज हमारा शूट है चंदन बालाजी क्लासेस का, फिर हमें थोड़ी देर बाद जाना होगा लाइफ केयर। तो अभी हम लोग सबसे पहले घर से निकले हैं, चलिए आपको बताते हैं आगे आके क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फसेरा डंगाल चंदन सर के क्लास पे और वहाँ पर हम लोग आज वीडियो शूट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं। सुबह सुबह जब हम जा रहे थे तो काफ़ी प्रसिद्ध गुपचुप वाले जो है, ठीक है, जो आप लोग को हम लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स पे बताया था, जैसे कि आप लोगों ने मिलाए थे हम लोग इनसे। तो आप देखिए, अभी गर्मी का सीजन आ गया है, तो ये कहते हैं कि ये 4 बार खट्टा चेंज करता है। मतलब ये अपने खट्टे के बारे में, अभी का अभी जो है सो आम चला रहे हैं। अच्छा, आम के बाद जो है सो इमली चलाएंगे, आंवला चलाएंगे। अच्छा, आंवला के बाद जो है सो आंवला चलाएंगे एक सप्ताह, उसके बाद पुनः हम इमली में आ जाएंगे। अच्छा, यानी कि 4 बार साल में जो सीजन जैसा जैसा जिस खट्टा का रहता है, मतलब पूरा पूरी नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं ये आप लोग, जैसा कि देख ही पा रहे हैं। तो आप लोग भी इनका गुपचुप खाने के लिए आ सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है। हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो हम ज़रूर आते हैं कि नहीं। तो इनका पता जो रहता है, ये सुबह कितने बजे लगाते हैं? 7 बजे से 9 बजे तक, और उससे पहले ख़त्म हो गया तो वो गारंटी नहीं है। इसका पता आप देख सकते हैं, घंटा काली मंदिर के जस्ट सामने ये है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और खूब मजे से ये टेस्टी गुपचुप खा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चंदन सर के क्लास में। यहाँ मिल जाता है तपन ब्लॉगर, ये भी आया है वीडियो बनाने, और यहाँ सब स्टूडेंट्स तैयार हैं, ठीक है। इधर हमारे फॉलोअर्स भाई जो दिल्ली में कह रहे थे हम लोग देख घर बताइए, इसी के साथ अभिषेक सर भी आ गए हैं। यहाँ देखिए, स्कूटी से आ गए अभिषेक सर। दोस्तों, चंदन बालोजी का शूट के बाद हम लोग जा रहे थे अली भाई का घर, क्योंकि आज हमें जाना है सक्टिया काम से। तो फिर हमें यहीं पर मिल जाते हैं ये रोड में। ये कौन सा रोड है वैसे? फसेरा डंगाल वाले रोड में इतने सारे भाई हमें मिल जाते हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं। रोड देख के पब्लिक पहचान जाएगा कौन सा रोड है यहाँ का। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप लोग हमारा वीडियोस देखते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, बहुत अच्छा एडिट भी आपका वीडियो का। और इधर आए हम लोग तो इंस्पायर होते हैं कि हम लोग के भी गोड्डा में है एक भैया जो गोड्डा को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। बेशब्द है आपका, क्या बताया। थैंक यू। चले यार, तो यहाँ पर काफी सारे भाई हैं जो हर तरह के वीडियोस देखते हैं, ये सारा वीडियोस के बारे में भी हमें बताएं। क्या नाम है आपका, ये बता? आपका मोहम्मद आतिफ। आपका मोहम्मद आतिफ। जैन मलिक। मासूम हीरो। नितिन राज। प्रवीण सिंह। तो यार, भाई लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग अभी थे फसेरा डंगाल वाले रोड पे। इनका कहना है कि ये रोड देख के लोग समझ जाएगा। अब क्या इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्या समस्या है आपका रोड में? बहुत खराब रोड है पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल से? अरे जब से जन्म लिए थे रोड खराब है। चलिए, अगर कोई नेता हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस रोड का भी कुछ कल्याण कर दे, क्योंकि ये रोड टेंडर हाट वाली गली में आता है, तो इसका टेंडर निकाल दे। और इसका थोड़ा सा काम चलता है कि नहीं, प्रतिबंध लग जाता है, मतलब यहाँ का आदमी सभी ऑब्जेक्शन लगा देता है। अरे आदमी सभी तब फॉल्ट है, तो वही बात है। बहुत सपोर्ट किया नेता लोग, लेकिन आदमी लोग एक्टिव नहीं रहेगा तो रोड कैसे बनेगा? तब तो यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक का गलती है गाइस। किसी डेमोक्रेसी के अंदर में किसी नेता या किसी अधिकारी का कोई गलती नहीं, यहाँ पर पब्लिक कहीं पब्लिक एक्टिव नहीं है। तब अब क्या करें, तब जो ऐसे पब्लिक के कीड़े हैं उन्हीं को मारना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं अली भाई के पास, फिर बताते हैं आगे आज क्या क्या होता है। तो गाइस, फाइनली हम लोग स्काईलाइन मैथमेटिक्स से डील करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्कूल, भारत भारती स्कूल, ठीक है। तो अभी यहां पर से हमें आना था, कुछ फीस वगैरह ड्यूज था उसको क्लियर करने के लिए हम आए हुए हैं। तो मेरे साथ आया हुआ है अली भाई, तो हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं स्कूल कैसा है और खूब दिखाते हैं आपको स्कूल। चलिए। सो गाइस, फाइनली फीस कम्प्लीट करके अपना रिपोर्ट कार्ड वगैरह लेके हम लोग जा रहे हैं अब घर। अली भाई के आँख में हो गया है जलन। क्यों अली भाई? पता नहीं, कुछ तो यहाँ पर गाना। तो अब हम लोग कहाँ जाने वाले? अच्छा अच्छा, जाएंगे यहाँ से होंडा, क्योंकि वहाँ का क्रेडेंशियल्स लेना है ताकि हम लोग आगे काम फॉरवर्ड कर पाए, डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। तो गाइस, अभी हम लोग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए वो होंडा का जो एड्स का लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किया है, इसलिए भी हम लोग फिर होंडा शोरूम भी जाने वाले। तो चलिए गाइस, बहुत धूप है और इधर टोटो भी नहीं मिलेगा, हम लोग को गोड्डा कॉलेज तक बाहर जाना पड़ेगा। और हम लोग के पास अभी बाइक है नहीं, इतना बाइक का प्रचार करते हैं, बाइक है नहीं, बहुत दिक्कत। अरे ये क्या सीन है, चलिए ठीक है गाइस। सो दोस्तों, अभी हम लोग फिर हैं जिम लाइफ में और जिम ज्वाइन करने में हुआ बस 2 दिन, और आज हम लोग जा रहे हैं स्टीम बाथ लेने। आप लोग भी ले सकते हैं, ये देखिए स्टीम बाथ के फायदे क्या
क्या क्या फायदे हैं स्ट्रीम वाक के, हार्ट रेट में फायदा दिलाता है, स्किन ब्लड डिलेड ऑनसेट, ये सारे फायदे हैं आप पढ़ सकते हैं। और आप लोग जानते ही होंगे स्ट्रीम बात क्या है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं स्ट्रीम बात तो आप लोग भी आइए जिम लाइफ। नॉर्मल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, अगर आप किसी दिन लेना चाहते हैं, जिम का मेंबरशिप नहीं लिया है तो वो भी आ सकते हैं, और जिम के मेंबरशिप वाले लोग भी आ सकते हैं। तो यार अभी हम लोग तो जाने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं स्टीम बात के अंदर में। पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है यार, ये लॉन्डी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाई इधर मत जाना भाई, चलो तो अब टेम्परेचर हो गया है 55 और काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। इलाका धुआं धुआं हो चुका है गाइस और हम पसीने से लथपथ, देखते हैं आज क्या होता है। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं स्टीम बाथ से और कुछ इस तरीके का लुक है हमारा, आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं। ठीक है अभी जस्ट नहाए हैं स्टीम बाथ करके, बहुत ही फ्रेश फ्रेश लग रहा है और स्किन्स जो है वो जो भी पिंपल्स वगैरह रहते हैं उनमें फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है चार्जेस के बारे में आपको नीचे हम बात करवा देते हैं, नाम भी आपको पूरे विस्तार में बता देंगे। तो यार ये नॉर्मल पब्लिक के लिए भी अलाउ है, अगर आपको कभी मन करता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कर सकते हैं। तो भाई तो गाइस आज हमने जो स्टीम बात किया उसका चार्जेस की बात करें, अगर आप लोग जिम ज्वाइन नहीं किए फिर भी स्टीम बात करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये इसका चार्जेस लगने वाला है, और जो जिम के मेंबर हैं उनके लिए ये चार्ज 50% ऑफ में मिलने वाला है। ठीक है अगर आप जिम का मेंबरशिप लेते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको वो 50% ऑफ रेट पे आप स्टीम बात कर पाएंगे, और जो जिम ज्वाइन नहीं करते हैं ऐसे ही नॉर्मली डेज नॉर्मल डेज में आना चाहते हैं और स्टीम बात के मज़े लेना चाहते हैं तो उनके लिए 200 रुपीज़ का एक नॉमिनल चार्ज होने वाला है। तो आप लोग आइए जिम लाइफ में, आपको गुड्डा में अभी तक ऐसा कोई भी जिम नहीं है जो आपको स्टीम बाथ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये एक लौता जिम है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो गाइस फाइनली अभी 9 बजने वाला है और स्टीम बाथ लेके बाकी तो आप लोगों को दिखाया कि आज किस तरीके से चैलेंज वगैरह हो रहा था, और हम भी अभी जिम कर रहे हैं। तो सूरज भाई ये मेरा बॉडी अभी कुछ भी नहीं है ठीक है, बट अभी से अगर करेंगे थोड़ा थोड़ा तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्या लगता है मेरा बॉडी बन जाएगा कि नहीं? एकदम क्यों नहीं। तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? बस ईमानदारी के साथ आओ, डाइट फॉलो करो। और बाकी सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो देख रहे हैं आपको? बस यही बोलेंगे आइए जिम कीजिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए बस। तो गाइज हम भी अभी ज्वाइन तो किए हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि बॉडी शॉडी बनाए। अभी तो मेरा कुछ बॉडी है कि भी नहीं है, कुछ नहीं है गाइस, बहुत कम है। कितना बॉडी है मेरा बताइए थोड़ा। है भाई। इसी को धीरे धीरे और आगे बढ़ा के ले जाना है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्योर हड्डी थे हम? नहीं नहीं नहीं, मस मसल तो है। चलिए और थोड़ा सा गेन करना होगा। ये अब बारी है आकाश भाई की, क्या दाव में क्या लगा रहे हैं ये बताइए। यहाँ देखिए सर तैयार है, निशान सर, देखते हैं कितना पावर है। मोए मोए हो गया, ये तो मोए मोए हो गया। मोए मोए हो जाएगा ये चोरस। अब बारी है आकाश भाई की, देखते हैं आकाश। आकाश भाई ने पताल पहुंचा दिया है, अब बारी है देखते हैं कितनी ताकत है। जितनी ताकत इनके गानों में है उतनी ताकत इनके बाजुओं में है कि नहीं, आज देखने को मिल जाएगा हमें। इसी के साथ नाइसिल पाउडर लगा के, नाइसिल पाउडर का ताकत। नाइसिल पाउडर फेल हो गया यार। तो यहाँ पर 10 किलो 10 किलो बढ़ते हुए और अगला चैलेंज करने वाले हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है अगला चैलेंज। अब कितना किलो हो गया? 220 220 किलो का चैलेंज, देखते हैं कौन एक्सेप्ट करता है।
तो अभी सचिन भाई रेडी हो चुके हैं। क्या सचिन भाई पहले क्या कहना चाहेंगे, पहले ही बोल लीजिए। ये देखिए अपना औजार सेट कर रहे हैं, औजार मैसिल पाउडर लगाते हुए औजार में। ओहो देखते हैं कितनी ताकत है सचिन पाल में। गजब गजब गजब। फिर से यहाँ पर आकाश भाई चैलेंज में आते हुए, देखते हैं इस बार इस लेवल को पार कर पाते हैं कि नहीं। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन देखते हैं आकाश भाई को क्या लगता है, ये बताइए आपका लेवल निकलेगा कि रहेगा। अगर ये कर लिया तो सचिन फिर करेगा। देखते हैं, देखते हैं अगर आकाश भाई हमारे 220 किलो उठाने में सफल हो जाता है तो वेट लगेगा इस बार 240। अच्छा, और हमारे सचिन और फिर से आकाश भाई कॉम्पीट करेंगे। हाँ, और जो हारेगा तो गया, और जो हारेगा वो हम लोग को कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। मैं 200 किलो नहीं उठा पाया। चलिए आकाश भाई तैयार है, देखते हैं, देखते हैं किसके लेवल निकलेंगे, देखते हैं लेवल निकलेगा कि लेवल निकल गए। और हमारे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, तो इनके तरफ से क्या दिया जाए? पार्टी पार्टी सचिन विनर। देखिए सारे लोग रूपा मुक्तन लाएंगे भाई के लिए, ठीक है, कुछ लोग फेयर एंड हैंडसम ले आएंगे। समझ गया, तो वापस है सचिन दा, तैयार हो चुके हैं 240 के लिए एक नया रिकॉर्ड रिकॉर्ड सेट करने के लिए। देखते हैं इनका इनका लेवल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ नाइसिल पाउडर लगाते हुए देखते हैं, देखते हैं लेवल निकलते हैं कि नहीं। नहीं इस बार फट गई। इसी बात से क्या दिया जाए।